हेलो बच्चों, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। बच्चों, हम कर रहे थे पार्ट नंबर 11, मेरी गाय। बच्चों, इसमें हमने एक पेज पढ़ा था कि एक बिहार के मिथिला नरेश का एक विदुषक होता है जो एक बहुत समझदार और हंसमुख व्यक्ति था। ठीक है, एक बार और मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ, ध्यान से सुनना बच्चों। बिहार के मिथिला नरेश के दरबार में एक विदूषक थे, गोनू झा। वह बड़े ही समझदार और हंसमुख व्यक्ति थे। उनका हास्य बड़ा तर्कपूर्ण होता था। गोनू झा के परिवार का पेशा था कथावाचन। बचपन से ही गोनू झा के विचार श्रद्धा और भक्ति से प्रभावित थे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। एक बार गोनू झा की पत्नी की इच्छा घर में गाय पालने की हुई। उसने गोनू झा से गाय ले आने के लिए कहा। गोनू झा कई दिनों तक बात को टालते रहे। वह कभी अपनी पत्नी को दिलासा देते, गाय खरीदने की जल्दी क्या है, कुछ ही दिनों में महाराज हमें एक गाय में उपहार में देने वाले हैं। कभी कहते तुम्हें कौन सा गाय पालने का अनुभव है जो गाय रखोगी, और कभी कहते कि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा काम पूजा पाठ करना है, गाय पालना नहीं है। ठीक है, तो जो विदूषक थे वो अपनी पत्नी को टालते रहते थे कि गाय हमने नहीं लेनी है। फिर आगे हैं, तो उसकी पत्नी एक बार फिर क्या होता है, पत्नी उनके बहाने सुनकर तंग आ गई थी। आखिर उसने गोनू झा को धमकी देते हुए कहा कि अगर तुमने गाय लाकर नहीं दी तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो उसने धमकी दी विदूषक को कि अगर वो गाय नहीं लेके आएंगे तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ठीक है, बेचारे गोनू झा के सामने अब कोई और, अब गाय ले आने के सिवा कोई और चारा न बचा। लाचार होकर वे गाय लेने चल दिए। कुछ दिनों का सफ़र तय करके वह सोनपुर के मेले में पहुँचे। उन्होंने एक अच्छी सी गाय खरीदी और वापस अपने गांव की ओर चल दिए। यहाँ तक बच्चों हमने पहले भी पढ़ा था और दोबारा पढ़ा दिया है, अब आगे देखते हैं। गाय लेकर वो अपने गांव की ओर चल देते हैं। आगे क्या सोचता है विदूषक, जैसे जैसे गोनू झा गांव के नज़दीक पहुँच रहे थे उन्हें एक चिंता सताई जा रही थी कि अब गाय के बारे में गांव वालों को एक जैसे सवालों के जवाब सैकड़ों बार देने पड़ेंगे। तो गोनू झा को ये चिंता सता रही थी कि अब गाय के बारे में सारे गांव वालों को कभी कोई पूछेगा, एक जैसे सवालों के जवाब हजारों बार देने पड़ेंगे। जो भी बार बार पूछेगा, बार बार उसको यही बताना पड़ेगा कि गाय यहाँ से लाए हैं, ऐसी गाय हैं। तो फिर इसके बारे में वो कुछ सोच रहा था। तभी गोनू झा को एक विचार सूझा कि क्यों ना सारे गांव वालों को एक ही बार में सब कुछ बता दिया जाए ताकि वे बारी बारी पूछने ना आए। तो गोनू झा को होता है कि इसके लिए एक उपाय सोचता है। वो कहता है कि एक बार गांव वालों को एक बार में ही इकट्ठा कर लूँ सबको, और एक बार में ही उनको सारी बात बता दूँ कि गाय कैसे लाया हूँ, कहाँ से लाया हूँ, किस लिए लाया हूँ। ठीक है, फिर आगे ऐसा सोचकर गांव की सीमा पर पहुंचकर उन्होंने गाय को एक पेड़ से बांधा। फिर ऐसे करने से क्या होता है, उसको एक उपाय सूझता है। वो क्या करता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गोनू झा को क्या करता है, जोर जोर से चिल्लाने लगता है, चोर 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 चोर, वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है गाय को एक पेड़ के साथ बांध के। गोनू झा की आवाज़ सुनकर गांव वाले लाठी बल्लम हसिया जो भी हाथ लगा उठाकर दौड़ पड़े। तो उनकी चोर चोर की आवाज़ सुन के गोनू झा की, तो गांव वाले क्या करते हैं, उनके हाथ में जो भी चीज़ आती है, लाठी है, हसिया है, जो हल में खेतों में काम आते हैं, वो सारे औजार लेके अपने भाग पड़ते हैं। कहाँ है चोर, किधर गया, सारे गांव वाले ये चिल्ला कर उसकी तरफ आने लगे। चिल्लाते हुए सबने गोनू झा को घेर लिया। गोनू झा के मुंह पर जैसे किसी ने ताला लगा दिया हो, एकदम चुपचाप खड़े थे। गांव वाले हैरान परेशान थे कि आखिर हुआ क्या है। तो जो गोनू झा था जोर जोर चिल्लाकर चुपचाप खड़ा हो गया। इतने में गांव वाले इकट्ठा होने शुरू हो गए और वो गोनू झा चुपचाप खड़ा रहा आराम से, और गांव वाले परेशान हो गए कि आखिर हुआ क्या है। आगे क्या होता है, गोनू झा जब
आश्वस्त हो गए कि गांव के सभी युवक युवतियां और बुजुर्ग इकट्ठा हो गए हैं, तो वे चलकर उस पेड़ के पास पहुंचे जहां उन्होंने गाय को बांध रखा था। तो गोनू जाओ जब को उसको आश्वस्त हो गया, जब उसको पता चल गया कि सारे गांव वाले इकट्ठा हो गए हैं, सारे युवक व्यक्ति बुजुर्ग जितने भी गांव वाले सब आ गए हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन सबको एक पेड़ के पास ले गया जहाँ पे उसने गाय को बांधा हुआ था। वहाँ पहुँचकर वे प्रेम पूर्वक हाथ जोड़कर कहने लगे, प्यारे ग्रामवासियों, मुझ पर संकट आया है। यह जानकर आप लोग जिस प्रकार मेरी सहायता के लिए दौड़ चले आए, उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। तो वो कहता, जो गोनूजा सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए, तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगा कि आप मुझे माफ़ कर दो, मुझ पर एक मेरी सहायता करने के लिए आप सारे इकट्ठे हो गए, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ, आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबको यह बताना चाहता हूँ कि अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करने के लिए मैं सोनपुर मेले से यह गाय खरीद कर लाया हूँ। तो वह कहते हैं कि मैं अपने सोनपुर मेले में से अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करते हुए मैं गाय लेके आया हूँ। इसी वजह से मुझे दरबार में इतने दिन अनुपस्थित भी रहना पड़ा। आगे क्या होता है, गांव वाले ठगे से खड़े गोनू की जा की बातें सुन रहे थे। गोनू जा ने बोलना जारी रखा, मैं जानता हूँ कि आप सबके मन में मेरी गाय के बारे में बहुत कुछ जानने की उत्सुकता होगी, और इसके लिए आप एक एक करके मेरे घर आते और पूछते जो प्रश्न एक दिन में नहीं पूछे जाते। तो गोनूजा को क्या होता है कि वो गांव वालों को बताने लग जाता है कि मैंने ऐसे ऐसे गायें लेके ली है, अगर आप इन मैं गायें लेके आता तो आप एक एक करके मेरे घर आके इसके बारे में पूछते आप, तो जो प्रश्न आपने आगे बोलता है वो जो प्रश्न एक दिन में नहीं पूछ पाते वह अगले दिन फिर आकर पूछते, फिर भी अगर कुछ बच जाता तो मुझे रास्ते में रोक कर पूछते, कितना अमूल्य समय बर्बाद होता है ना भाइयों। तो वो कहता आप मेरे से बार बार वही क्वेश्चन पूछते, अगर कुछ बच जाता तो आप दोबारा से मेरे घर आते, या मुझे रास्ते में भी आप रोक देते कि वो बात रह गई थी पूछने के लिए, तो इसलिए मैंने आप सबको ये इकट्ठा कर लिया है कि एक बार में ही आप सारे सवालों के जवाब में से अभी पूछ लो कि ये अनमोल समय है, ये बर्बाद ना हो। गोनू जा ने गर्दन घुमाकर गांव वालों पर नज़र डाली, सब मुंह फाड़े गोनू जा की बातें सुन रहे थे। गोनू जा आगे बोले, तो मैं आप सबको अपनी गाय के बारे में बता देना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी गाय सफ़ेद रंग की है, जितनी सस्ती आप समझ रहे हैं यह उतनी सस्ती नहीं है। मैंने अपने पूरे एक माह का वेतन यानी 3 स्वर्ण मुद्राएँ देकर इसे खरीदा है, काफ़ी महंगी पर सुंदर गाय हैं, एकदम हृष्ट पुष्ट। तो वो अपनी गाय की विशेषताएं बताते हुए उनको बता रहे हैं कि ये गाय बहुत सस्ती नहीं है, ये मैंने अपने पूरे एक महीने के वेतन से खरीदी है, एक महीने का वेतन 3 स्वर्ण मुद्राओं से को देकर खरीदा है, ये बहुत महंगी है पर सुंदर गाय है और इसका रंग सफ़ेद है, स्वभाव से बहुत सीधी है, जैसा भी और जितना भी चारा दो चुपचाप खा लेती है। हाँ, दूध 5 शेर एक दिन का देती है, छोटा बच्चा भी चाहे तो इसे दूध सकता है, जरा सी भी मरखनी नहीं है, अभी तो पूरे दांत भी नहीं निकले हैं, मात्र 4 दांत वाली पहिलोठी गाय है। उसने अपनी गाय की ये विशेषता बताई है। आगे फिर क्या होता है, गोनू जा ने कंधे उचकाते हुए कहा, प्यारे ग्रामवासियों, मैंने आपको अपनी गाय के बारे में सब कुछ बता दिया है, हाँ अब आप सबके मन में मेरी गाय चुरा ले जाने वाले चोरों के बारे में जानने की इच्छा अवश्य होगी, तो असलियत यह है कि यहाँ कोई चोर नहीं आया था, दरअसल किसी भी बात को बार बार पूछना आप सबकी आदत है, सो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ही बार में आप सब लोगों को अपनी गाय के बारे में बता दूं। तो गोनू चा ने ये एक उपाय सूझा था कि बार बार सबके एक क्वेश्चन को एक
सवालों के जवाब बार बार देने से तो अच्छा है सारे गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और उनको एक ही बार में सारी अपनी गाय की विशेषताएं बता दी। इसीलिए सबको कष्ट दिया, इस अशिष्टता के लिए कृपया मुझे क्षमा कीजिएगा। तो इस जो मैंने ये काम किया है उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। इससे पहले कि गांव वाले कुछ बोलते, गोनूजा ने गाय की रस्सी थामी और तेज़ी से गांव की तरफ चल दिए। इससे कि गांव वाले अगर उसके साथ कुछ बोलते तो वो गोनूजा अपनी गाय को खोल के गांव की तरफ चल दिया। ठीक है बच्चों, ये थी गोनूजा की विशेषता, जो उसने अपने दिमाग से एक उपाय सोचा और एक ही बार में सबको उत्तर दे दिया बहुत सारे सवालों के। ठीक है, ये एक उसने बुद्धिमानी का काम किया। तो बच्चों आपने ये दोबारा से ये लेसन पढ़ना है, अब आप इसका अभ्यास करेंगे। ये पार्ट नंबर ये है मेरी गाय पार्ट नंबर 11, जो ये गोनूजा की बुद्धिमानी का किस्सा है। इसमें उसने बुद्धिमानी से सबको गाँव वालों को गाय के बारे में बता दिया। अब इसका हम शब्दार्थ करेंगे। बच्चों आपने शब्दार्थ पहले किए हैं कॉपी में, आप इनको आज पढ़ लेते हैं। नरेश, नरेश मीन्स होता है राजा। आश्वस्त होता है भरोसा होना। उपहार होता है तोहफा। स्वर्ण मुद्रा होता है सोने के सिक्के। विदूषक होता है बातचीत करके दूसरों को हंसाने वाला भांड जिसको बोलते हैं। बल्लम होता है लंबी लाठी जिस पर लोहे का नुकीला फल लगा होता है। पलिपई लोटी होता है जिसने पहले बच्चे को जन्म दिया हो। ठीक है, आगे श्रवण कौशल है। श्रवण कौशल शुतलेख, विदूषक, तर्कपूर्ण, श्रद्धा, ब्राह्मण, बल्लम, आश्वस्त, अनुपस्थिति, उत्सुकता, पहिलोटी और अशिष्टता। ठीक है, वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। गोनूजा कौन थे? गोनूजा की पत्नी की क्या इच्छा थी? गोनूजा ने चोर चोर चलाकर गाँव वालों को क्यों इकट्ठा कर लिया? गोनूजा ने अपनी गाय की क्या क्या विशेषताएं बताई? बच्चों हमने पहले ये दो क्वेश्चन अपने कॉपी में कर लिए हैं, अब मैं आपको वैसे बता देती हूँ। गोनूजा कौन थे? गोनूजा एक राज्य में विदूषक थे। ठीक है, गोनूजा की पत्नी की क्या इच्छा थी? गोनूजा की पत्नी की इच्छा थी कि वो घर में एक गाय को पालें। गोनूजा ने चोर चोर चिल्लाकर गाँव वालों को क्यों इकट्ठा किया? तो उसने इसलिए इकट्ठा किया था क्योंकि गाँव वालों के एक ही सवाल के सैकड़ों बार उनको जवाब देना पड़ता, इसलिए उसने गांव वालों से उपाय सूझा कि सबको एक ही बार में इकट्ठा करके एक बार में ही गाय के बारे में सबको बता दिया जाए। गोनूजा ने अपनी गाय की क्या क्या विशेषताएं बताई? गोनूजा ने अपनी गाय की क्या क्या विशेषता बताई थी कि वह सफ़ेद है, महंगी है, सुंदर है, हिष्ट पुष्ट है, जितना चारा दो उतना खा लेती है, दूध भी 5 शेर देती है और बहुत अच्छी गाय है। फिर है लेखन कौशल। लेखन कौशल में बच्चों क्या पूछा है? गोनूजा किस बात से लाचार होकर गाय खरीदने चल दिए थे? अपनी पत्नी की धमकी से, क्योंकि उसकी पत्नी ने धमकी दी थी ना कि वो मर जाएगी अगर आप गाय लेकर नहीं आओगे। फिर है गाय खरीदने के बाद गोनूजा को क्या चिंता सताई जा रही थी? गोनूजा को यही चिंता सता रही थी कि गाँव वालों के सवालों के जवाब मुझे बार बार देने पड़ेंगे। चिंता से छुटकारा पाने के लिए गोनूजा ने क्या उपाय सोचा उसने? चिंता से छुटकारा पाने के लिए गोनूजा ने सोचा कि सबको एक ही बार में गांव वालों को इकट्ठा कर लिया जाए और उनके सारे सवालों के जवाब इकट्ठा करके एक ही बार में दिए जाए कि बार बार टाइम खराब ना हो। सही उत्तर पर सही का टिन लगाना है। गोनूजा के परिवार का पेशा क्या है? खेती, पशुपालन या कथावाचन? क्या है उनका पेशा? कथावाचन। तो हम कथावाचन पे टिक मार कर देंगे। फिर है खपाड़। गोनूजा ने गायें कहाँ से खरीदी? गोनूजा ने गायें कहाँ से खरीदी थी? सोनपुर के मेले से। सोनपुर के मेले को हम टिक मार कर देंगे। फिर है गोनूजा ने चोर चोर चिल्लाकर किसको इकट्ठा कर लिया? किसको इकट्ठा कर लिया था? घर वालों को, पुलिस वालों को या गाँव वालों को? गांव वालों को। तो गांव वालों का हम टिकमा कर देंगे।
फिर नीचे लिखे वाक्यों में उचित स्थान पर विराम चिन्ह लगाकर उन्हें पुनः लिखो। तो हमने यहाँ पे विराम चिन्ह लगाने हैं, इनको पूरा करना है। गाय खरीदने की क्या जल्दी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। बच्चों ये सारी लाइनें बुक के अंदर में से ही लेसन में से दी गई हैं, आपने ये करनी है। कुछ दिनों में महाराज अपने में एक गाय उपहार में देने वाले हैं के बाद हम पूर्ण विराम लगा देंगे। ठीक है बच्चों, ये सारी लाइनें बुक के अंदर से हैं, आपने खुद देखना है किस पे कौन सा पूर्ण विराम आएगा। ठीक है, कौन सा विराम चिन्ह लगेगा वाक्य में। ठीक है बच्चों, आपने ये पार्ट नंबर 11 अच्छे से सारा पढ़ना है और इसको सारा याद करना है, इसके प्रश्न उत्तर, और अपनी कॉपी में लिखने हैं आपने ऐसे। ये प्रश्न उत्तर आपने कॉपी में लिखने हैं, पहले वाचन कौशल का लिखोगे, सबसे पहले आपने डेट और डे ये डालना है, पार्ट नंबर लिखना है मेरी गाय। वाचन कौशल के प्रश्न उत्तर करने हैं पहले, ठीक है, फिर करने हैं आपने लेखन कौशल के। अभी आप वाचन कौशल के करोगे, फिर लेखन कौशल के, ठीक है, अच्छे से करना है ये, और इसको याद भी करने हैं। ये क्वेश्चन अभी करवा दिए हैं मैंने आपको, तो आप इनको एक बार दोबारा से फिर देख लेना और इनको अच्छे से लिख लेना। ठीक है, धन्यवाद।